गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए या शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 38% परिवार जो है गांव में रहते हैं। केवल 8.99 से 10.17% स्त्रियां ही साक्षर हैं। सन 1938 से ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रसार विभाग सामाजिक शिक्षा हेतु कार्य कर रहा है। समाज शिक्षा संचालित करने हेतु 4 सचल दल मिलकर पूरी इकाई के रूप में जो है कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य साक्षरता मिशन का गठन किया गया है। जिला विकास खंड, ग्राम, न्याय पंचायत, नगर पालिका तथा मोहल्ला स्तर पर जो है प्रौढ़ शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय जनता के सहयोग से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रभावकारी बनाना है। महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने का प्रयास किया गया जा रहा है। लगभग 85% केंद्र महिला प्रतिभागियों के लिए हैं, जिन्हें स्वयं अध्ययन के लिए अध्ययन सामग्री सहायता जो है उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक न्याय पंचायत में जन शिक्षण संकाय स्थापित किए गए हैं। 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के वाले गांव को गौरव योजना के अंतर्गत पुरस्कार भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम को रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए के दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, इसलिए उसके विकास के लिए जो है पूरा जो है कार्य किया जा रहा है। जहां का साक्षरता प्रतिशत पुरुषों के तुलना में स्त्रियों में बहुत कम है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता को उतना ही आवश्यक समझना चाहिए जैसे हमारे लिए जल है। जैसे हमारे लिए जल है वैसे ही साक्षरता को जो है आवश्यक समझना चाहिए। धन्यवाद।